वायर के फार्म में छिपाकर लाया जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा युवक। तो आइए जानते हैं हैरान कर देने वाली घटना के बारे में। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स ने ट्रॉली बैग में छिपाकर लाए 2 किलो 170 ग्राम से ज्यादा का गोल्ड पकड़ा और इसकी मार्केट वैल्यू 1.1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। गोल्ड के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया। युवक को सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर परिचित ने ट्रॉली बैग दिए थे। बैग जयपुर लाने के बदले युवक का एयर टिकट करवाया गया था। कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण ने बताया कि आरोपी युवक बीकानेर जिले का रहने वाला है। वो सऊदी अरब के रियाद में मजदूरी करता है। पिछले साल सितंबर में ही वो रियाद गया था। उसने बताया कि शुक्रवार इंडिया आते समय रियाद एयरपोर्ट पर ही उसके एक परिचित ने 2 ट्रॉली के बैग दिए और कहा कि ये बैग जयपुर एयरपोर्ट के बाहर उसका परिचित उससे ले लेगा। उसके बदले उसने एयर टिकट भी करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि एयर अरेबिया की शारजहां वाली फ्लाइट से आए युवक के 2 बैग जब एक्सरे मशीन से स्कैन किए गए तो उसमें मेटल के वायर में कुछ सस्पेक्टेड वस्तु दिखाई दी। युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि बैग में घरेलू सामान के अलावा और कुछ नहीं है। बैग को पूरा खोलकर उसका सामान बाहर निकालने के बाद जब देखा तो उसमें कुछ नहीं दिखा। फिर ट्रॉली बैग के नीचे वाले हिस्से को कटर मशीन से काटा गया तो उसका बेस फ्रेम लोहे के चौकोर शेप में था, उसे बाहर निकाला गया। इसी फ्रेम के चारों ओर रेडियम कोटिंग में सोने का वायर लगा रखा था और दोनों बैग से 4 वायर बरामद हुए और जिसका वजन 2 किलो 170 ग्राम निकला। अब इसकी मार्केट वैल्यू जब निकाली गई तो ये 1,12,20,451 रुपए निकला। 11 जुलाई को विदेशी युवतियों को पकड़ा गया था और 11 जुलाई को एयरपोर्ट पर बैंकॉक की 3 युवतियों को सोने की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इन युवतियों के पास में 1.8 किलो सोना जब्त किया गया। पकड़ा गया सोना 90.43 लाख रुपए का है। तीनों युवतियां जयपुर के ज्वेलर के संपर्क में थी। तो इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें।